बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, खाजूवाला पहुंचे सुभाष पारधी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं सदस्य, पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और मुआवजे की राशि में हो रहे विलंब की जांच कलेक्टर एसपी से मुलाकात कर उनको रिपोर्ट पर चर्चा भी की। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाजूवाला पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष, जहां पर परिवार से मुलाकात की। सबसे पहले तो जिस बच्ची के साथ में जो घटना घटी, ये काफी निंदनीय है और जितनी निंदा कर सकते उतनी कम है। एक बच्ची के साथ में, एक होनहार बच्ची के साथ में जिस पद्धति से आरोपी ने कृत्य किया और उसका उसके अंदर निधन हो गया, और ये घटना जब हमारे संज्ञान में आई दिल्ली में, तो मैंने तुरंत यहाँ पर माहिती ली और 21 तारीख को हमने ये नोटिस इशू करे, और नोटिस इशू करने के बाद में उसके सारी रिपोर्ट मंगाए, और रिपोर्ट के अंदर जो तथ्य सामने आए वो थोड़े बहुत उसके अंदर खामियां थी, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि तुरंत यहाँ पर स्पॉट विजिट देकर एक सही दिशा के अंदर जाँच हो रही कि नहीं हो रही उसके, अभी हम 3 बजे कलेक्टर एसपी के साथ में मीटिंग है। सबसे तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाजूवाला में जो दुष्कर्म और हत्या का मामला था उसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए श्याम मारू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए जो मुआवजे की राशि में हो रहे हैं, जो विलंब हो रहा है इस मुआवजे की राशि को लेकर, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी पहुंचे, और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है परिजनों को? जाति के जो आयोग के अधिक खाजूवाला पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने पीड़ित परिवार से जो चर्चा की है, उनकी जो क्या उनकी आवश्यकताएं क्या है उन पर मंथन करके परिजनों के सबके बयान लिए हैं। साथ ही साथ जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े जितने लोग हैं उन सबके बयान कुछ के ले लिए, बाकी के लिए जाएंगे। इसके अलावा पीड़ित परिवार को और किस प्रकार की सहायता हो सकती है, राज्य सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, ये उनका मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो आरोपी है, जो दोषी है, उनकी कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग बाकी, जिस प्रकार से मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो इस प्रकरण को लेकर वो बातचीत करेंगे। वो जिला कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे और संबंधित पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे, और पूरे प्रकरण में दलित जो महिला है उसको लेकर किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, उनके साथ में न्याय हो, इस बात को वो रखेंगे। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो पीड़ित के परिवार से मुलाकात की अनुसूचित जाति के सदस्य सुभाष ने, मुआवजे की राशि में जो विलंब हो रहा है उसको लेकर कलेक्टर एसपी से मुलाकात कर जांच रिपोर्ट के आदेश भी दिए। तो खाजूवाला पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य सुभाष।